कांग्रेस पार्टी ने अब एमपी उपचुनाव की महाभारत में आईटी को तगड़ा हथियार बना लिया है। इसी कड़ी में हर जिले के आईटी सेल को सक्रिय किया जा रहा है। इंदौर में एक ऐसी ही अहम बैठक बुलाई गई जिसमें सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरने का प्लान बना। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर कांग्रेस दफ्तर गांधी भवन में जमा ये कांग्रेसी आईटी को हथियार बनाकर उपचुनाव में इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग लेने पहुंचे थे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न विभागों की प्रभारी अर्चना जायसवाल की मौजूदगी में आईटी सेल को और ज्यादा सक्रिय बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया। प्रदेश कांग्रेस से मिली गाइडलाइन को भी जायसवाल ने आईटी सेल और वॉर रूम प्रभारियों से साझा किया और आने वाले दिनों में किस तरह से किस दिशा में काम किया जाना है ये रणनीति बनाई। अब उसको किसी भी तरह से घुमाए, एसएसपी को घुमाए, किसे भी घुमाए, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आप इन सब चीजों को जैसा विपिन भाई ने बोला कि उसको आप टेक भी करते रहे, आप अपने जो भी शेयर आती है, मान लो आपके पास मेरी शेयर आती है, मेरे पास आपके कोई विचार आते हैं। आपने भी एक बार आकर ताकि कांग्रेस को जिताने का संकल्प आप ले कि आज आप यहाँ आए। हमारा उद्देश्य है पूरे मध्य प्रदेश के जो 28 विधानसभा उपचुनाव है सरकारों को हराना है और कांग्रेस को जिताना है। आज हम सब संकल्प लेके यहाँ से जाते। बैठक में इंदौर आईटी सेल के अध्यक्ष विपिन गंगवाल, लखन बरेठा, शैलेश गर्ग, भवर शर्मा, अमिताभ सिंघल सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर नेताओं ने एक सुर में उपचुनाव में जीत का झंडा लहराने की बात कही और अपने अपने दावे पेश किए। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए क्योंकि संख्या कम होगी, भीड़ रैलियाँ भी कम मात्रा में होगी, तो सोशल मीडिया पे और आईटी सेक्टर के ऊपर एक बड़ा दबाव आता है कि चुनाव को कैसे जीतना। क्योंकि मैं शहर कांग्रेस कमेटी आईटी सेल का अध्यक्ष हूँ, हमने हमारी पूरी टीम के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग बनाए हैं, सोशल मीडिया पे हमने पूरी कार्यशालाएँ आयोजित की है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कितनी खोखली है, उन पर हमें कैसे वार करना है, हमने उस चीज़ को प्लान करा है। साथ में जहाँ पर अश्लीलता, जहाँ पर एडिटिंग होती है और हमारे नेताओं के खिलाफ या कांग्रेस की विचारधाराओं के खिलाफ अगर वो बोलते हैं तो उस पर कैसे कायमी दर्ज करवाना, उसे क्या प्लान करना, हमने सब चीज़ें बताई है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ मुद्दे ही नहीं कमलनाथ जी के लिए। ठीक है, उन्हें बोलना है क्योंकि एक एक पार्टी के रूप में है, बट अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो पिछले 15 महीनों की सरकार में कमलनाथ जी इतने ज़्यादा काम किए हैं और जनता उस चीज़ को देख रही है। ठीक है, उनके एक पार्टी है, अगर वो कुछ बोल रही है, जनता इन चीज़ों को समझती है, वो सब चीज़ें गलत है। हमारे सभी टीम के सभी साथियों को हमने बोला, यहाँ से लेके सांवेर तक प्लस 28 सीट पर जितने भी हैं, हमने सारे सोशल मीडिया के जितने पदाधिकारी हैं उनको बाकायदा हम रेगुलर संवाद में हैं, पर्टिकुलर मिनट टू मिनट जो पार्टी की जो विचारधारा के अनुसार जो जो कंटेंट आता है हम उस सोशल मीडिया पे आमजन मानुष तक पहुँचा जाए उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। इंदौर में हमने सांवेर में वार रूम बना है इसका, प्लस इंदौर में बहुत जल्दी हमने प्लानिंग कर ली है, शहर कांग्रेस कमेटी में वार रूम बना हुआ है। बहरहाल आईटी सेल की इस रणनीति का कितना कमाल इस उपचुनाव में देखने को मिलता है ये गौर करने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।